Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are doing the revision of matrices, and this is one of the doubts that has been given by you. Let's see. If A is a square matrix and A square is equal to A, we are supposed to get the value of I minus A whole cube minus A plus A. So no problem. यहाँ पे फटाफट से इसका क्यूब करते हैं और देखते हैं वैल्यू कितनी आती है. ठीक है, लेट्स सी. सो ए माइनस बी का होल क्यूब यूज करता हूँ. राइट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड दैट वुड बी थ्री आई स्क्वायर ए एंड प्लस थ्री आई ए स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने क्यूब को ओपन किया और बाद में मेरे पास एक ए अवेलेबल है. ठीक है, अब आई क्या है तुम्हारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितनी ही उसकी पार कर दो. आई की पार अगर आप एन भी करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? आई आती है. ठीक है, सो दिस वुड रिमेन आई, ये तो आई रहेगा. ए क्यूब को अगर मैं सोचूं तो ए क्यूब को मैं कैसे देखना चाहूंगा? मैं देखना चाहूंगा ए स्क्वायर इंटू ए देखना चाहूंगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने ए दे रखी है तो ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर फाइनली कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा. सो दिस वुड बिकम व्हाट? दिस वुड बिकम ए अगेन. I square is I, and I into any matrix is the matrix itself, which is A. The only thing is the order has to be same. Needless to say, कि I हम लोग उसी order को लेते हैं जिस order का हमारे पास A होता है. ठीक है? तो ये value कितनी हो गई बच्चों? This is three times of A. Similarly, A square को मैं A लूँगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया? Plus three times of A. ठीक है? साथ में plus A. देखो जरा क्या situation बन रही है? This is gone, plus A, minus A is gone, बचा क्या? I. So what is the answer? The answer should be option number A. Tell me a yes or no in the chat box. Yes. Okay. So as we have done something about matrices, in fact, all the basics about matrices, now you are supposed to practice it as much as you can, and you can come up with your doubts. No problem with that. I'm starting up with determinants. Okay. Determinants mein basic difference kya hai matrices or determinants mein? मैट्रिसेस सिर्फ एक अरेंजमेंट है रोज और कॉलम की, जबकि डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है. ठीक है, डिटरमिनेंट क्या होती है? हमारे पास एक वैल्यू होती है. तो अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करता हूँ तो हमेशा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना. वन बाई वन का हो सकता है एक रो और एक कॉलम, टू बाई टू का हो सकता है, थ्री बाई थ्री का हो सकता है. उसको ओपन करना आई एम श्योर आप लोगों को आता है. रिविजन बैच में मैं आपको डिटरमिनेंट ओपन करना तो नहीं बता रहा, बट इनकेस अगर किसी को परेशानी है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता देना. आई कैन ऑल्सो डिस्कस दैट, नो प्रॉब्लम. सो डिटरमिनेंट में द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई वुड लाइक टू मेक अ स्टार्ट is about the properties of determinant. हालांकि properties हटा दिए गए हैं, लेकिन उसका use आपको बार बार MCQ questions में दिखता रहता है, इसलिए मैं discuss कर रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहली property जो I'm sure आप सभी को आती होगी, कि अगर मेरे पास किसी भी determinant में सारे के सारे elements या तो किसी एक row के या फिर किसी एक column के, अगर वो सारे के सारे elements same हैं, ठीक है, same हैं, और वो सब के सब zero हैं, या तो किसी भी एक रो के या फिर किसी भी एक कॉलम के, ठीक है, तो इसका जो हम लोग डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट को ना डंडों के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि आप मॉडुलस को करते थे. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? जीरो आती है, ऑलवेज द फर्स्ट एंड द इजीएस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर हमारे पास जीरो है तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है? जीरो है. दूसरा आपके पास क्या है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट को, राइट, अगर आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है, right, let's say a11, a12, a21 and a22, अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि मैट्रिक्स में क्या होता था कि वो स्केलर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, बट डिटरमिनेंट में क्या होता है? इट इज ईदर मल्टीप्लाई टू अ रो और टू अ कॉलम. ठीक है, हम इसको कह सकते हैं k टाइम्स a11, k टाइम्स a12, के टाइम्स नहीं, बिकॉज आपने रो वन में ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, या तो रो वन में करो या रो टू में करो या फिर कॉलम वन में या कॉलम टू में, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट. ठीक है, सो ए टू वन एंड ए टू टू. ठीक है, इस तरीके से हम इसको ओपन अप करते हैं, राइट. इसको हम लोग ये भी लिख सकते थे कि ये के टाइम्स ए वन वन हो जाएगा, के टाइम्स ए टू वन हो जाएगा, ए वन टू एंड ए टू टू. इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं. ठीक है ना, ओके, दैट इज योर सेकंड प्रॉपर्टी. उसके बाद हम अगर तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ जाएं, राइट, डिटरमिनेंट्स में अगर हम तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ जाएं, तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट में कोई भी दो जो आपके दो रोज हैं या दो कॉलम्स हैं वो अगर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, जैसे कि सपोज करो वन टू थ्री एंड दिस इज, मान लो तीन गुणा ले लेते हैं, ठीक है,
थ्री तीन गुना, इसका तीन गुना, इसका तीन गुना, और इधर कुछ भी रैंडमली कुछ भी ए बी सी। जैसे इसमें दो रोज क्या है, प्रोपोर्शनल है, आर वन इज प्रोपोर्शनल टू आर टू, ठीक है, तो या फिर कॉलम वन इज प्रोपोर्शनल टू कॉलम टू, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर प्रोपोर्शनल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है। क्वाइट ऑब्वियस, अगर प्रोपोर्शनल है तो जीरो है, तो अगर इक्वल होंगे तो भी जीरो ही वैल्यू होगी, ठीक है ना। ओके, सो दैट इज योर सेकंड प्रॉपर्टी, और आई मीन द थर्ड प्रॉपर्टी। इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा और ये है कि सपोज करो आप कभी डिटर्मिनेंट जो है कैलकुलेट कर रहे हो, राइट, किसी भी डिटर्मिनेंट को, और आपने जो है उसके दो रोज को, राइट, या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। मान लो जैसे कि ये हमारे पास ये सेकंड, ये जो डिटर्मिनेंट है, राइट, इसमें मैं ये रोज को इंटरचेंज कर दूँ, जो सेकंड रो है उसको मैं फर्स्ट रो बना दूँ ए टू टू, ठीक है, और जो फर्स्ट रो था उसको मैं सेकंड रो बना दूँ, ठीक है ना। तो किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, यानी जो अगर वो प्लस एक्स थी तो माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, ए टू वन एंड ए टू टू, ठीक है। आपने पीछे ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ी चर्चा हम लोग ट्रांसपोज की भी आइए करते हैं। मैट्रिक्स के बारे में आपने पढ़ा था, ट्रांसपोज के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉसिबल है, ठीक है, तो ये जो अगर आप इसका ट्रांसपोज भी करते हो ना, अगर आप इसका ट्रांसपोज भी करते हो तो उसकी भी वैल्यू सेम आएगी। रोज एंड कॉलम्स अगर आपस में इंटरचेंज हुए हैं, अगर दो रो इंटरचेंज हुए हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हुए हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बट अगर सारे के सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया गया या फिर सारे के सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया गया तो द वैल्यू विल रिमेन सेम, इट विल बी एग्जैक्टली सेम, है ना। तो ट्रांसपोज ही तो होता है जब रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो ठीक है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहती है। ओके, इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट्स की जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टीज है। ओके, एक और प्रॉपर्टी जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप कभी भी, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और एमसीक्यू में भी बहुत क्लियर चांसेस हैं पूछे जाने के, कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई किया, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाती है। अब ये एन क्या है, एन इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। एन क्या है बच्चों, एन इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। ये बातें आपको डिटरमिनेंट्स के बारे में ध्यान रखनी है, और इसके बेसिस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको काफी हेल्प मिलेगी। आइए कुछ क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी सम क्वेश्चंस दैट हैव बीन गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 एंड के ए इज दिस, तो बताना है इसकी वैल्यू किसके बारे में, स्ट्रेट प्रॉपर्टी अभी जो आपने पढ़ी उस पर बेस्ड है, कितना हो जाएगा, ऑर्डर 3 है तो के क्यूब इंटू ए, है ना, स्ट्रेट अवे आ गया आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नो, मैट्रिक्स इज डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट इज डिफरेंट, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू एंड मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। ओके, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, ओके, टू सम एक्सटेंट आई वुड से यस, देखते हैं अभी। Determinant is a number associated to a square matrix. This is more accurate. I'll go with what? I'll go with C. ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? Because square matrix का होना जरूरी है. Okay? Determinant एक value होती है, एक number होता है, जो कि एक square matrix से associated. वो एक हमेशा unique value है. एक एक आपके पास अगर कोई square matrix का determinant होगे, उसकी एक unique value होती है. ठीक है? तो yes, it is a number associated with the square matrix. Absolutely correct. So I hope you get that. एक और बात जो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारे recording में आ जानी चाहिए, वो ये कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स, ये वर्ड कई बार बोर्ड में यूज होता है, ठीक है, अभी जब इनवर्स पढ़ेंगे तो भी यहाँ पे यूज होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक बात तो पक्की है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो भी मतलब है उसका एंटोनिम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, कोई टेंशन ही क्या है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होता है तो उसी को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। लेट्स सी अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, सो लेट्स सी दिस, राइट। अब ये एक एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन है, अगर हमारे पास तीन वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, हाफ ले लेते हैं और कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x1 x2 x3 एंड वी हैव
y1 y2 y3 1 1 1, बस ये कैलकुलेशन। और हाँ ध्यान रखना इसका हमेशा मॉडुलस लो, मॉडुलस यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एरिया है, एरिया इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। चलो देखो, लेट्स ओपन इट। ये हमारे पास गिवन है 2 5 k, ठीक है, -6 4 and 4, और इधर कितना आएगा 1 1 1। ये वैल्यू हमें किसके बराबर गिवन है, 35 के बराबर गिवन है, और हमसे बोला गया कि बताओ k कितना होगा, ठीक है। पहले तो इस 2 को उठा करके इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको 70 बना देंगे, और जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा आई विल मेक श्योर दैट इट इज यू नो पॉजिटिव, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन में 2 वैल्यूज दे रखी है, है ना, सारे ऑप्शन में 2 वैल्यूज दे रखी है, 2 में दे रखी है, तो मैं तो कभी इसमें ए और बी मार्क करने की सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि मॉडुलस है ना, तो 2 तरीके से सॉल्व होगा हमेशा, ठीक है। चलो सॉल्व करता हूँ। तो मैंने इसको ओपन किया, 2 के साथ कितना आ गया 4 माइनस 4, ये तो 0 हो गया, बहुत ही बढ़िया। और फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर रहा हूँ, तो -6 का +6 हो गया, ये कितना आ गया, दिस इज 5 माइनस k, दिस इज 5 माइनस k, और 1 के अलॉन्ग मैंने देखा तो ये आ गया 20 माइनस 4 k, 20 माइनस 4 k, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 70। ध्यान रखना है ये हमेशा मॉडुलस होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो ये वैल्यू आ रही है 30 और 20 50, 30 और 20 50, और ये कितना आ गया -6 k और -4 k, तो ये कितना हो गया बच्चों, -10 k हो गया, ठीक है, -10 k हो गया इज इक्वल टू 70। क्यों ना 10 से सबको डिवाइड कर दिया जाए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस k इज इक्वल टू 7। अब आपको शायद ये बात फंक्शंस में बड़े अच्छे से सिखाई गई है कि हमेशा मॉडल्स को 2 तरीके से ओपन करते हैं, राइट। 5 माइनस k इज ईदर इक्वल टू 7 और इट इज इक्वल टू -7, ठीक है, इट इज इक्वल टू -7। तो इसी तरीके से k की 2 वैल्यू आती हुई दिखती है मुझे, एक हो जाएगा k इज इक्वल टू -2 और एक हो जाएगा k इज इक्वल टू +12, ठीक है। सो +12 एंड -2, दैट हैज टू बी द आंसर। आई होप यू इजीली गेट इट।